आसना जो था, मैं बताऊं था मौके की बात हो है, आजकल जमाने में इतना परिवर्तन आ गया समाज में। पहले जो ये हमारी माता बहने जो बेबेर की शादी हुआ करती, इन जब ये जाति गीत गाती छोड़ का करती अड्डे ताई बटिया ऊपर रेत गिरती पानी गिरती। पर आजकल इतना बदलाव आ गया, ये हमारी बेबे जब ब्याह होना बार नहीं आगे तो घरते ही बैठे हैं, आगे लेके जाओ उतरे है। जब दो चार दिन देख के उल्टियां होंगी ना, और जब वो नौ सौ रोटी खान बैठे, जब न्यू कहेंगी मां अखा बैठी मैं इसने रोटी मैं खुआऊंगी, क्यों ए क्यों ए, अख मेरे बिना सूत ना बैठे। मैं दस दिन पहले साला भूखा मरिया करता जब तू ना गिदी थी, जब बीबी तो खाता होगा यो। पर ये समाज में इतना परिवर्तन आ गया। अरे एक और साध्य मानस का कोई जीवन नहीं आज के टाइम में। एक और लूटन खान का राट होया आजकल, ब्याह होना जब नौकर छोरे ने गेल ले लियो भाई रिंग सेरेमनी करेंगे, छोरी छोरे ने गुठी पर आवे, छोरा छोरी ने दो दो गुठिया का राह कर लिया, एक सगाई पे थे जा एक उड़ी तुम्हारे ले। एक सादा छोरा कति साध्य मानस का कोई जीवन नहीं, सादा छोरा बेचारा और उसका ब्याह तय हो गया। अरन्यू बोले भाई देखना हो ना छोरे ने लिया यो, ये बोल बतला लेंगे कदे काल ने फिर जूत बजे। बोला ठीक है, उसने गेल लेके देखने। और वो जब चा पानी जब फारे को लिए ना, जब एक शाणा मानस बोले भाई न्यू करो ये छोरे छोरी में थोड़ी बार एक अलग कमरे में बैठा दो, ये आपस में बात कर लेंगे पढ़ाई लिखाई की, कल न कोई सा लाना ना देगा। बोले भाई छाणी बात, अलग कमरे में छोड़ दिए बैठा दिए। आध घंटा हो गया, छोरी ने उन्हें मुंह करे बैठी, छोरा ने उन्हें मुंह करे बैठी, कोई सा तो बोल नहीं ना, चुप बैठे। फिर आध घंटे में उस डाकी ने मारी हिम्मत, पर न्यू तो ना बेरा था बात क्यों कर शुरू करनी है, क्यों कर बतलाऊ, सादा था ना। आज का जमी मत करके अरु छोरी के खोए पात हमारे के ने बोले आ बेबे क्या बाण भाई हो तुम्हें, वा बोली है वा भी हरियाणा की थी, बोली है अगर बेबे मनु वो जो क्या बाण भाई हो, ने बोली भाई पहले तीन थे तू आ गया चार हो गए, तो ये चलता रहता है। बात सुन ले, मैं तेरे पास भेष बदल के आऊंगा, अगर जब तुमने पहचान लिया तो मेरा जाना बेकार है, और जब तुमने नहीं पहचाना ना फिर मैं सरतिया छटवा के लाऊंगा, कोई ताकत नहीं जोर मुझे रोक दे। ठीक है भाई, अब हफ्ते दस दिन का बेचारा दे के अरो बीजा सपेला बन के और अपनी मामी के महल के नीचे बीन बजाता है। और जब बीन बजाई वह आवाज करना में गई, उसकी मम्मी बांदिया तो निकल लगी है, कहते वो आ रहे महारानी एक सपेला आ रहा है,
भीतर बुलाओ बीन सुनूंगी, भीतर बुला ली, बुला के ले आई वो बंदी। अर सपेले तो कह बीन सुना, अर जब लहरा सुना ना सब क्या न भूलगी न बोली सपेले पछाने को न वो न बोली सपेले अखा अगेल चल लूंगी न बोला री राजा की रानी हम इधर उधर घुमंतु जाति के कहा जा रहे काल किते दुखी हो जाएगी न बोली कुछ भी हो जब तबीन सुनी ना मेरे बस की बात को ना सच्ची होगी। अरे न बोली ले सुन ले क्या बढ़ रही है मेरी गेलिया और किस तरह से एक बात के द्वारा अपना दुख पर कटकन लगी ना पहचानते हुए कैसे क्या बता रहे हैं। Oh, okay.
भाई चांदीराम कमीशन आगे अंग्रेजी में नाम बताएगा ना समझ में आएगा कमीशन एजेंट अरे 100 रुपए चांदीराम एंड संस ना 100 रुपए अरे ये हाँ थारा द रणबीर एंड ग्रुप ये ठीक है ना 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 थारे दोषी ठीक बोलो कोना और ये भाई फोड़े ने और 50 रुपए देता है हर बार धन्यवाद है धन्यवाद और दूसरी कली में ने वाली जब जब भी सुनी के बन रही है मेरी गल्ला मान करती है देवी का बार बार धन्यवाद केडी बेनीवाल ये भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं भाई का बार बार धन्यवाद है और धन्यवाद और इस कली के बाद रागनी के बाद जैसा कि आदेश हुआ है आखिर में देवियों देवताओं से तुलना करती है केतुन मदद को सना आ गया वेश बदल गए और इस कली के बाद पहले तो बोले एक रागनी सत्यनारायण की होगी भाईचारे की तो माननी पड़ेगी और एक को संगी का और नाम बताया है अंदर संगी तारे देखो भाईचारे के साथ भाई जो कर हम चले ना सत्यनारायण नो चलना पड़ेगा और मजबूरी है भाईचारे के लिए चलना पड़ेगा ना तो पिछड़ जाएंगे हाँ ना तो भाई बने जी एक बात है इसके कई बात बड़ी समझ में लखमी चंद में लोचू मचलू तो भाईचारे के साथ चलना पड़ेगा मजबूरी है एक भाईचारे के साथ चलने की बात है जो गरीब हमने चलना पड़े नहीं सत्यनारायण भाई ने उसने वो एक स्टेशन पर भीड़ लग रही टिकट लेना लगी
इसकी गल बाप बन रही है एक दिन शेर कट्ठे कर रहा जानवर ने जंगल में। अरे वो को चुटकला सुना सारे जानवर से खूब जिसे उनकी आवाज थी उन्हें काटी एक गदा चुप रहा। इसके बारी से मन माओ से पाचित करते से लोगों ने। अरे वो ईसा मौका सद्या तीन दिन पाछा ऑंची ऑंची करता हूं जंगल में। वो बोले रे इसके के होया आज न बोला होया कुछ नहीं हो जो परसों शेर ने चुटकला सुना था ना इसके ही विषय में माया बिला। जय हो भैया। तब भाईचारे वाली बात थी इब हम तो नहीं रखेंगे भाई। वो एक ने स्टेशन पर भीड़ हाथ दे दिया भीतर। अरे आज देखे वो भीतरला बोला भाई कित की टिकट चाहिए। ने बोला भाई मन्ने मन्ने न्यू करे कर द्वार की दे दे। न्यू करते पाछे एक बाबा जी खड़ा था उसने एक ठोका चमटा आराम जा दे सुदार द्वार बोले कितनी पवित्र जगह है शरीर द्वार नहीं कह सकता। टिकट लेकर उल्टा हट गया। फिर दूसरे ने हाथ दे दिया उस तो भीतरला बोलिया हाँ भाई तन्ने कित की चाहिए। इब उसने सोचा शरीर ना लाथा बाबा ने चिमटा मारा। वो ने बोला मन्ने भाई अखा मन्ने एक शरीर मुजफ्फरनगर की दे दी। नुकते कुछ कठो क्या आराम जा दे शरीर लगावे है को पवित्र जगह है वो शुद्ध मुजफ्फरनगर नहीं कह सकता। दोनों डगे एक तीसरा मेरे जीजा सादा खड़ा उसने भी हाथ दे दिया भीतर। इब हाथ दे दिया पर भी दम पड़ रहा अकबर शरीर ना लाया जब भी चिमटा मारिया शरीर लाया जब भी चिमटा मारिया। वो भीतरला रुके मारा अरे कित की टिकट चाहिए। अरे बाबा करने लखा बोले अकित की टिकट चाहिए आज काट गए सर खो जाकर। बोले भाई मन तो चढ़े बाबा जी।